भारत विकास परिषद मुरादाबाद शाखा द्वारा आज गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर श्री गौ भगवती पुनर्वास आश्रम मोरा के मिलक पर एक ठंडे पानी की टंकी प्याऊ लगाई गई तथा गायों को परिषद के सदस्यों द्वारा चारा भी खिलाया गया। श्री सर्वेश कुमार अग्रवाल जी ने नारियल फोड़कर शीतल जल की मशीन का शुभारंभ किया। प्रांतीय पदाधिकारी डॉक्टर SP सिंह, शाखा अध्यक्ष विवेक शर्मा, शाखा सचिव नीरज मित्तल, शाखा कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, शाखा महिला संयोजिका श्रीमती शालिनी अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, रचना मित्तल आदि उपस्थित रहे। श्री भगवती गौ सेवा आश्रम के संस्थापक श्री दीपक वार्ष्णे का विशेष सहयोग रहा। ये जो श्री भगवती गौ पुनर्वास आश्रम पे भारत विकास परिषद मुरादाबाद शाखा के द्वारा एक प्याऊ लगवाई गई है, जिसमें सहयोगी SS मेटल्स शिवपुरी का रहा है। और इसके जो व्यवस्थाएं हैं वो गौशाला के द्वारा बहुत अच्छे से संचालन करने की प्रयास रहेगा हमारी तरफ से। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय सर्वेश कुमार अग्रवाल जी का एवं भारत विकास परिषद मुरादाबाद शाखा का, जिन्होंने हमें इस सेवा में अपना साझीदार बनाया है। भारत विकास परिषद समाज सेवा में रत एक राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है। इसका उद्देश्य समाज में सेवा के कार्य करते रहना है। भारत विकास परिषद की पूरे राष्ट्र में लगभग 1500 शाखाएं हैं। मुरादाबाद के अंदर भी लगभग हमारी 6 से 7 शाखाएं कार्य कर रही हैं। मुरादाबाद में मेन मुरादाबाद शाखा के द्वारा आज गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर एक निःशुल्क जलशाला का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र के सभी सामाजिक लोगों को हमारे भारत विकास परिषद के सौजन्य से निःशुल्क जल, शीतल जल मिलता रहे, ऐसी एक कामना के साथ यहाँ पर SS मेटल्स शिवपुरी के माध्यम से और भारत विकास परिषद मुरादाबाद द्वारा संचालित इस जलशाला का आयोजन किया गया है, जिसकी देखरेख हमारे दीपक वार्ष्णे जी, जो भगवती गौ पुनर्वास केंद्र के नेतृत्व में यहाँ पर इसका आयोजन सही तरीके से चलता रहे, इसका संचालन होता रहे, इस तरीके की व्यवस्था के साथ आज इसका यहाँ पर गठन किया गया है। धन्यवाद। कोरोना काल चल रहा है, उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे महानगर वासियों को? महानगर वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी आगे भी तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी लोग जो व्यवस्थाएँ हैं कि हमें मास्क का अवश्य प्रयोग करें, हम डिस्टेंस मेंटेन करके रहें और हम जिस तरीके से भी सही व्यवस्था सामाजिक दूरी के साथ साथ कार्य करने में हो सकती है उसका हमेशा पालन करें।